मुझ मंगलमय संत समाज सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देवियों, आप लोगों में से हर व्यक्ति ने ताला का प्रयोग किया होगा। घर से बाहर निकलते होंगे, घर खाली होता रहा होगा तो आपने ताला का प्रयोग जरूर किया होगा। ताला में चाबी होती है और ताला खोलना हर कोई जानता है। चाबी को बाएं से दाएं तरफ घुमाओ ताला खुल जाता है, दाएं से बाएं तरफ घुमाओ ताला बंद हो जाता है। लेकिन एक दूसरे प्रकार का ताला होता है जो चाबी से नहीं खुलता है, उसमें नंबर की सेटिंग होती है, कॉम्बिनेशन लॉक जिसे कहा जाता है। कॉम्बिनेशन लॉक में चाबी नहीं होती, नंबरों की सेटिंग होती है। और जब प्रॉपर नंबर सेट हो जाते हैं तभी वो ताला खुलता है, और एक भी नंबर सेट नहीं हुआ तो ताला नहीं खुलेगा। जो कोई भी प्रॉपर नंबर सेट करना जानता है वह उस ताला को खोल सकता है। अब कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, यदि प्रॉपर नंबर सेट करना नहीं आया तो ताला नहीं खुलेगा। ये तो उदाहरण हुआ। हमारा जीवन भी एक प्रकार का मानो कॉम्बिनेशन लॉक है, नंबर वाला ताला है। इसमें जब तक विचार और क्रिया का तालमेल नहीं बैठेगा जीवन का ताला नहीं खुलेगा, सफलता का लक्ष्य का ताला नहीं खुलेगा। जीवन की सफलता किसमें है? विचारों में और क्रियाओं में तालमेल होने में। इसे ही संतगण कहते हैं कथनी और करनी की एकता होने में। कथनी और करनी की एकता ही ज्ञान है, कथनी और करनी की एकता ही भजन है। कथनी बहुत ऊंची, करनी नहीं के बराबर। तो यह ज्ञान ज्ञान नहीं है, केवल जानकारी है या विद्वता है। और करनी के बिना ज्ञान है, करनी के बिना विद्वता है, करनी के बिना जानकारी है, तो हमारी ये विद्वता, हमारी ये जानकारी हमें पतन की ओर ले जाएगी। केवल विद्वान जिसके पास वाक विलास हो, धारा प्रवाह अपने विचारों को प्रांजल भाषा में सुंदर शैली में प्रस्तुत कर सकता हो, लेकिन उसके पास करनी नहीं हो, तो ऐसी विद्वता अपने लिए और समाज के लिए पतन का ही कारण बनेगी, किसी के लिए लाभदायी नहीं होगी। थोड़ा ही ज्ञान हो, थोड़ी ही जानकारी हो, बोलने की कला ना हो, लिखने की कला ना हो, लेकिन थोड़ी जानकारी, थोड़ा सा ज्ञान, करनी संयुक्त हो, आचरण संयुक्त हो, तो वह आत्मकल्याण और लोक कल्याण का साधन बन सकती है। और बन सकती क्या, बनती ही है। सदगुरु कबीर ने कहा है, ज्ञान रतन की कोठरी चुंबक दीन हो ताल। इसलिए क्या करना है, ज्ञान है उसको चुंबक ताला लगा करके रखो। साहब ने कहा है कि जत कथनी तत करनी, जस चुंबक तत ज्ञान। जब कथनी के अनुरूप करनी हो जाती है तब हमारा ज्ञान चुंबकीय हो जाता है। चुंबक में स्वाभाविक एक ऐसा आकर्षण होता है
कि लोहा उसकी तरफ अपने आप खींच जाता है। कहीं चुंबक होगा तो लोहा उसकी तरफ खींच जाएगा। ऐसे ही हमारा ज्ञान जब आकर्षण युक्त होता है तब वह चुंबकीय हो जाता है, और इस चुंबकीय ज्ञान के द्वारा ही हमें आत्मविजय या मनोविजय की प्राप्ति होती है। आत्मविजयी कौन है, मनोविजयी कौन है? और जो मनोविजयी है, आत्मविजयी है, वही सच्चा विजयी है। दूसरे लोगों पर विजय प्राप्त कर लिए, बहुत लोगों को अपने अधिकार में कर लिए, अनेक लोग आज्ञानुवर्ती हो गए, लेकिन आत्मविजय नहीं है, आत्मसंयम नहीं है, मन संयम नहीं है, तो बहुत लोगों पर विजय प्राप्त करने वाला आदमी भी भीतर से अशांत और पीड़ित ही रहेगा। और यदि आत्मविजय हो गई, आत्मसंयम है, आत्मनिग्रह है, तो दूसरों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो करनी युक्त ज्ञान, रहनी युक्त कथन, इसी से ही आत्मविजय होगी, इसी से ही आत्मशांति मिलेगी। और महाभारत में तो ऐसे ही व्यक्ति को जो आचरण संपन्न है, चरित्रवान है, क्रियावान है, उसको ही पंडित कहा गया है। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव से आचार प्रवण रही है, चरित्र प्रधान रही है, चरित्र की यहां प्रधानता रही है। धन का अपना महत्व है, जानकारी का, विद्वता का अपना महत्व है, पद का, शासन का, स्वामित्व का, अधिकार का अपना एक महत्व है, लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्व चरित्र का है, आचरण क्या है, आत्मसंयम और आत्मविजय का है। आप सब जरा ख्याल करें, धन, विद्वता और पद, इन तीनों की अपेक्षा चरित्र की क्या प्रधानता है, चरित्र इन तीनों से कैसे बड़ा है, कैसे महान है, थोड़ा सा आप विचारें। मान लो, कल्पना करें कि यहां सत्संग का आयोजन हुआ है, आप लोग आए हैं ज्ञान श्रवण करने के लिए। आपके रायपुर जिला का है क्या, मान लो आपके पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे धनवान व्यक्ति यहां आ जाए और आप उन्हें पहचानते हो, तो आप क्या करेंगे? उठ करके जाएंगे, मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर आदर करेंगे, स्वागत करेंगे और सम्मान पूर्वक लाकर अच्छी जगह पर उन्हें बैठाएंगे। जो बन सकेगा जलपान भोजन की आप व्यवस्था करेंगे। मान लो यहां पर रायपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आ जाए या कोई बड़ा दूसरा विद्वान आ जाए और आप पहचानते हैं, तो आप उठ करके जाएंगे, हाथ जोड़कर स्वागत करेंगे, प्रणाम नमस्कार करेंगे, उन्हें भी लाकर आदर पूर्वक बैठाएंगे। जो बन सकेगा जलपान भोजन उनके लिए व्यवस्था करेंगे। और मान लो आपका मुख्यमंत्री रमन सिंह यहां आ जाए, तो भी आप सब दौड़ करके जाएंगे, आदर पूर्वक लाएंगे, अच्छी जगह पर बैठाएंगे, जो बनेगा स्वागत सत्कार तो करेंगे ही करेंगे। धनवान के पास धन है, कोई वाइस चांसलर है या प्रोफेसर, उसके पास विद्वता है, मुख्यमंत्री के पास पद है, अधिकार है, शासन है, तीनों का आपने स्वागत किया, तीनों का सत्कार किया, तीनों को ऊंची जगह पर आप बैठाए, क्योंकि धन, विद्या और पद ये तीनों के पास हैं।
लेकिन मेरा प्रश्न यह है, जो धनवान आया है, विद्वान आया है, मुख्यमंत्री आया है, क्या आप उसकी आरती करोगे? क्या अब आप उसके चरण पखारोगे? क्या उसको चरणामृत लोगे? उसकी पूजा और भक्ति करोगे? कोई नहीं करेगा। एक फकीर आ गया, एक साधु आ गया, केवल लंगोटी पहना हुआ है, तो लंगोटी पहना हुआ साधु बैठा है और रमन सिंह मुख्यमंत्री बैठे हैं, पैर किसका धोएंगे आप? इस छत्तीसगढ़ का सबसे धनवान व्यक्ति बैठा हुआ है और वहीं पर एक साधु बैठा हुआ है, पैर आप किसका धोओगे? पूजा आप किसकी करोगे? वंदना आप किसकी करोगे? मुख्यमंत्री की वंदना करोगे या उस साधु की वंदना करोगे? साधु के पास धन नहीं है, साधु के पास विद्या नहीं है, साधु के पास पद नहीं है, साधु के पास क्या है? चरित्र है, आचरण है, त्याग भाव है। तो सदैव से चरित्र और आचरण की प्रधानता रही है और आज भी है। और इतना ही नहीं, मान लो एक साधु है, चरित्रवान है, त्यागी वैरागी, केवल लंगोटी उसके पास है, तो मुख्यमंत्री भी उस साधु का पैर धोएगा, वाइस चांसलर भी उसकी वंदना करेगा, उसको चरण छू करके अपने को धन्य समझेगा, और जो धनवान होगा वो भी साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा, वो भी उस साधु का चरण छूना चाहेगा। महत्व किसका है? चरित्र का महत्व है, आचरण का, त्याग का, वैराग का महत्व है। धन काम की चीज है, विद्वता काम की है, और पद भी काम की है, क्योंकि व्यवस्था चाहिए, बिना व्यवस्था के तो समाज ही अव्यवस्थित हो जाएगा, किसी न किसी की जिम्मेदारी तो देनी पड़ेगी। तो धन, पद, विद्या, इनका अपना महत्व है, लेकिन इनसे ज्यादा महत्व चरित्र का है, त्याग भाव का है। धन से निर्वाह होगा, सुविधा मिलेगी, आत्म शांति नहीं मिलेगी, आत्म विजय नहीं मिलेगी। पद से आप लोक सेवा का काम कर सकते हैं यदि निष्काम है तो, अन्यथा आज तो लोगों को पद मिल गया तो सबसे पहले वो अपना घर भरना चाहता है। कैसे अधिक से अधिक हम जनता के धन को लूट करके अपने तिजोरी भर सकें, आज पद पाने वाले लोग यही सोच रहे हैं। जनसेवा तो एक बहाना रह गया है। हाँ, निष्काम होगा तो उसका गुजर तो होगा ही होगा, और वह सेवा का काम भी करेगा। तो धन, विद्या, प्रभुता, पद, अपना महत्व है, सबसे ज्यादा महत्व चरित्र का है। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है, कृतेन ही भवेद आर्यो, न धने न विद्या। कृत से, आचरण से आदमी आर्य बनता है। यह आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, महान। वो आर्य अनार्य वाला मत जाइए कि हमारे देश में आर्य लोग रहते थे यहां से, यहां आर्य का अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ, महान। धन से कोई बड़ा नहीं बनता। यदि धन के नाते कोई पूजनीय होता, विद्या के नाते पूजनीय होता, और बल अधिकार के नाते पूजनीय होता, तो रावण जैसा पूजनीय कोई नहीं होता। फिर रावण जैसा धनवान उस जमाने में दूसरा कोई नहीं था। सोने की नगरी लंका और वहां का राजा रावण, उसने, रावण ने देवताओं पर भी चढ़ाई करके देवताओं के खजांची, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर पर विजय प्राप्त कर ली थी और देवताओं खजाने पर अधिकार कर लिया था। और आप ये भी जानते हैं कि कुबेर रावण का ही बड़ा भाई था, लेकिन वो देवताओं का कोषाध्यक्ष था, उसको भी जीत लिया रावण ने और देवताओं खजाने पर भी अधिकार कर लिया। तो रावण जैसा धनवान उस समय कोई नहीं था, और रावण जैसा विद्वान शायद कोई रहा होगा उस जमाने में, बड़ा विद्वान। वेद विद्या व्रत स्नातः कहा गया है रावण को वाल्मीकि रामायण में, वेद विद्या में निपुण, वेद विद्या में पारंगत और बलवान। रावण जैसा बलवान भी उस जमाने में दूसरा कोई नहीं था। हार क्यों हुई? हार के अनेक कारण होते हैं, उधर नहीं जाना है कि रावण की हार क्यों हुई। वैसे यदि
विभीषण रावण से फूटकर राम से न मिलता और रावण का सारा भेद राम को न बताता तो रावण को हराना बड़ा मुश्किल होता। लंका के बाहर विभीषण रावण का सारा भेद राम को देता रहा और लंका के भीतर विभीषण की पत्नी शर्मा सारा भेद बाहर भेजती रही। दो देशद्रोही मिल गए रावण को, इसलिए रावण की पराजय हुई। आज भी विभीषण को कहते ना, अरे भैया घर का भेदिया लंका ढावे, ये कहा जाता है। कोई भी देश तब बर्बाद होता है, देश दुश्मनों से परास्त नहीं होता है, देश परास्त होता है देश के भीतर रहने वाले जो देशद्रोही हैं, जो गद्दार हैं, उनके कारण से। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है, देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। तो रावण जैसा बलवान उस जमाने में कोई नहीं था। यदि धन के कारण, विद्या के कारण और बल के कारण व्यक्ति पूजनीय होता तो रावण तो महापूजनीय होता, लेकिन रावण की पूजा कोई नहीं करता। तो मैं आपसे ये कह रहा था, जो हम और आप चाहते हैं उन सबसे रावण पूरा का पूरा संपन्न था, फिर भी रावण पूजनीय नहीं हुआ, क्योंकि रावण के चरित्र में थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई। सीता हरण न करता रावण तो रावण तो महान व्यक्तियों में गणना होती उसकी, लेकिन पराई नारी के अपहरण, इस एक दोष ने रावण की सारी अच्छाइयों पर पानी फेर दिया। तो कृतेन ही भवेदारियो न धनेन न विद्या, कृत से, आचरण से, चरित्र से आदमी श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है, धन और विद्या से नहीं बनता। मैं कह रहा था महाभारत का उदाहरण, कि महाभारत में उस व्यक्ति को ही ज्ञानी कहा गया, उस व्यक्ति को ही पंडित कहा गया है जो चरित्रवान है। ये श्लोक है एक जिसे युधिष्ठिर ने कहा है, और लगता है मानो युधिष्ठिर नहीं कबीर कह रहे हैं। जैसे कबीर एकदम तीखी बात कहते हैं, ऐसे एकदम तीखी बात कबीरी भाषा में कहा गया है। याद करें, आप लोगों को याद होगा तो महाभारत का श्लोक, पटका पाटकाश जय चांदी शास्त्र विचिंत का सर्वे विष्णु मूर्ख यह क्रियावान स पंडिता। युधिष्ठिर कहते हैं, पटका पाठकाश्चैव चानी शास्त्र विचिंतका, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्रों का चिंतन मनन करने वाले कहते हैं सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, सभी व्यसनी और मूर्ख हैं। इतनी तीखी भात, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्र चिंतन मनन करने वाले सब व्यसनी और मूर्ख हैं। यह क्रियावान सब पंडित, तब ज्ञानी कौन, पंडित कौन, जो क्रियावान है, आचरण संपन्न है, चरित्रवान है, वह पंडित है। तो क्रिया और विचार दोनों में जब तालमेल बैठता है तब जीवन का ताला खुलता है, तब सफलता का ताला खुलता है, और तब कह सकते हैं तब जीवन में पूर्णता आती है। विचारों में और क्रिया में, आचरण में तालमेल नहीं बैठा तब खाली विचार से क्या होगा। बहुत ज्ञान की बात हम विचारें, बहुत ज्ञान की बात विचारें, बहुत ज्ञान की बात विचारें, और खाली के खाली रह जाएंगे, आत्मशांत की प्राप्ति नहीं होगी। तकत तकावत तकी रहा सके न बेझा मार, सवे तीर खाली परा चला कमान ही डार। ये सदगुरु कबीर की बीजक की साखी है। साहब कहते हैं तकत तकावत तक ही रहा, आदमी अपने लक्ष्य को देखता है, दूसरों को भी दिखाता है, कौन नहीं जानता है, कौन नहीं कहता है कि भैया ये दुनिया तो दो दिन की है, यहाँ कोई सदैव रहने के लिए नहीं आया है, ये दुनिया के राग रंग, ये विषय भोग, ये तो क्षणिक हैं, दुख में फंसाने वाले हैं,
इससे किसी को शांति नहीं मिलती। आदमी जानता है, दूसरों को जनाता है और कहता है आदमी जीवन का लक्ष्य ये मनुष्य जीवन की प्राप्ति तो कल्याण के लिए है। मानवता खाने के प्राणी हैं, वे भले भोग भूमिका में रहें, मनुष्य शरीर तो कर्म भूमिका है और ये मनुष्य शरीर आत्मशांति की प्राप्ति के लिए, कल्याण की प्राप्ति के लिए, उसी को आप कह सकते हैं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, खुदा गाड की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। हर आदमी जानता है, दूसरों को बताता भी है, लेकिन केवल देखता है और दिखाता रह जाता है, लक्ष्य पर वार नहीं कर पाता। इसलिए होता क्या है, सबे तीर खाली पड़ा चला कमान ही डार, सारे के सारे तीर खाली पड़ गए। तीर तो मारा लेकिन एक भी तीर लक्ष्य पर पहुंचा नहीं, निशाने पर लगा नहीं, यहां वहां लग गए। अंत में कमान को छोड़कर, धनुष को छोड़कर तीर मारने वाला चला गया। बहुत विचार किए, बहुत विचार किए, बहुत विचार किए, ज्ञान की बड़ी बड़ी चर्चा किए, बड़ी बड़ी पोथियों को पढ़े, दूसरों को ज्ञान की बात बताए, लेकिन एक भी अवगुण का त्याग नहीं हुआ। अनेक अवगुणों से घिरे रहे, आत्मशांति पाने के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया तो सारे के सारे विचार खाली के खाली रह गए और अंत में इस शरीर रूपी धनुष को छोड़ करके जीव दुनिया से प्रयाण कर जाता है। जितना हम जानते हैं थोड़ा ही जाने, जो हम जानते हैं उसका जीवन में प्रयोग किए करें। कौन आदमी कितना जानता है महत्व इसका नहीं है, कितना करता है महत्व इसका है। और काम भर की जानकारी, काम भर का ज्ञान हर आदमी के पास है। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा दुनिया में आपको जिसके पास काम भर का ज्ञान ना हो। इतना करें, करना क्या है, एक काम कर ले आदमी, जितने को आप जानते हैं गलत उतने का त्याग कर दें, जितने को जानते हैं सही उतने को ग्रहण कर ले और एक साथ और काम करें। जब कभी किसी संयोग से कहो, वातावरण के प्रभाव से कहो, संगति से कहो, या अपने पूर्व के संस्कारों से, लालसाओं से, आदतों के कारण कहो, जब भी मन में किसी प्रकार के गलत संकल्प खड़े हों, गलत काम करने का विचार मन में आ जाए तो उसे कल के लिए टाल दें। हो सकता है गलत विचार मन में आ जाए और ये हो जाए कि ये काम मुझे करना है तो उसे आप कल के लिए टाल दें, ये काम आज नहीं करूंगा कल करूंगा। और जब अच्छे विचार मन में उठे, अच्छे काम करने के संकल्प मन में उठे तो उसकी शुरुआत आज से ही कर दें, तो जिंदगी भर बुरे कामों से बचे रह सकते हैं और पूरी जिंदगी अच्छे कामों में लगी रह सकती है। कल्याण का काम कोई बड़ा दुखदायी नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बड़ा सरल है करना चाहे तो।